सबसे पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से शुभ नववर्ष हो। मेरे चैनल का 3 साल हो गया है। और इस थर्ड बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि मुझे क्वेश्चंस भेजिए, डायनासोर्स के बारे में क्वेश्चंस, किसी भी प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स के बारे में क्वेश्चंस, और या फिर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस। और एक बहुत बड़ा थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो टर्म्स है बिगेस्ट या लार्जेस्ट, ये बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म्स है। मतलब किस तरह से बिगेस्ट, अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो कि एक डायनासोर कितना लंबा है, तो सबसे लंबा डायनासोर जो आज तक पाया गया है उसका नाम है सुपरसोरस, जो एक डिप्लोडोकिड फैमिली का एक सोरोपॉड डायनासोर है। वो करीब करीब 128 फीट तक लंबा हो सकता था। अगर आप वजन की बात कर रहे हो तो वजन में सबसे ज्यादा जो डायनासोर है वो है अर्जेंटिनोसोरस ह्यूमिनकिलेंसिस। वो एक टाइटानोसोरियन सोरोपॉड डायनासोर है जो करीब, जिसका वजन करीब 80 टन के आसपास होता था। देखिए, ये जो बड़े बड़े सोरोपॉड डायनासोर्स है ना, ये इनके जो फॉसिल्स होते हैं, ये फॉसिल्स बहुत ही कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो बहुत फ्रेगमेंटरी, मतलब पूरे कंप्लीट स्केलेटन्स नहीं मिलते। इसीलिए एकदम ठीक से कहना कि यही सबसे बड़ा था, यही सबसे लंबा था, या यही सबसे वजनदार था, ये पूरी तरह से श्योरिटी से कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर आप अलग अलग डायनासोर के जो अलग अलग ग्रुप्स है, सॉरोपॉड्स, थेरोपॉड्स, ऑर्निथेशियंस, इन सारे ग्रुप्स में कौन कौन से डायनासोर्स मतलब सबसे वजनदार है, सबसे साइज में सबसे बड़े है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ही एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें ये पूरा लिस्ट है, और मैं ऊपर यहाँ कार्ड में वो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। फ्लाइट यानी कि उड़ने की क्षमता। उड़ने वाले डायनासोर्स तो आज भी हमारे आसपास दिख जाते हैं। जी हाँ, बर्ड्स ही है वो उड़ने वाले डायनासोर्स जो आज तक जिंदा है। जुरासिक पीरियड में करीब करीब 150 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का एक ग्रुप बर्ड्स में इवॉल्व हुआ, और इस इवोल्यूशन का एग्जैक्ट प्रोसेस साइंटिस्ट को ठीक से नहीं पता, पर उनका मानना यह है कि बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो विंग्स पहले डायनासोर्स में आया था, शायद डिस्प्ले के लिए हो। धीरे धीरे वो विंग्स साइज में बढ़ता गया, और विंग्स बढ़ने के साथ साथ डायनासोर धीरे धीरे उड़ना सीखा। इस एवोल्यूशन का जो प्रमाण, एविडेंस, वो कुछ फॉसिल्स में दिखते हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, जिसके पास विंग्स भी है पंछियों की तरह मगर डायनासोर्स की तरह उसके पास दांत है, क्लॉज है, और एक लंबा सा पूंछ है। ये तो गए उस टाइम का बात जब डायनासोर्स पंछियों में इवॉल्व हुआ था, मगर इसके अलावा एटलीस्ट और भी 3 बार अलग अलग ग्रुप्स के डायनासोर्स अलग अलग समय में उड़ना सीखा था। जी हां, सबसे पहले जिस ग्रुप के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है ड्रोमियोसॉरिड्स, जिसमें शामिल है वेलोसिराप्टर, डेनोनिकस जैसे मशहूर डायनासोर्स। ड्रोमियोसॉरिड्स में कुछ डायनासोर्स जैसे कि माइक्रोडैप्टर, उसके सामने और पीछे के पैर में गुल मिलाकर 4 पंछियों जैसे विंग्स थे, और माइक्रोडैप्टर बिल्कुल पंछियों की तरह ही उड़ सकता था। तीसरा डायनासोर्स का जो तीसरा ग्रुप जिन्होंने फ्लाइट इवॉल्व किया था, उस ग्रुप, वो एक बहुत ही अद्भुत ग्रुप है डायनासोर्स का, उसका नाम दिया गया है स्कैंसोरियोप्टेरिजिडे। इस ग्रुप के डायनासोर्स इतने अद्भुत है क्योंकि उनके जो सामने के पैर है उसके उंगलियां लंबा होकर एक चमड़े के मेम्ब्रेन के साथ करीब, मतलब कुछ कुछ चमगादड़ जैसे एक विंग फॉर का इवोल्यूशन किया था, और इस चमगादड़ जैसे विंग के मदद से ये उड़ सकते थे। ये बहुत ही मतलब हैरानी की बात है, ऐसे विंग्स किसी भी और प्राणी में नहीं पाया जाता। मतलब चमगादड़ से दड़ के विंग्स से भी ये थोड़ा सा अलग दिखते हैं। चौथी बार जब डायनासोर्स ने फ्लाइट इवॉल्व किया था,
वो हम देख सकते हैं एक ड्रोमियोस वाले डायनासोर में जिसका नाम है रेहोनाविस। रेहोनाविस के पास बर्ड्स जैसे बहुत सारे फीचर्स थे, मगर वो एग्जैक्टली कैसे उड़ता था ये साइंटिस्ट को पूरी तरह से नहीं पता, क्योंकि रेहोनाविस के सॉफ्ट टिश्यूज या फेदर्स साइंटिस्ट को ठीक से नहीं मिले हैं। और इन सारे ग्रुप्स में से सिर्फ बर्ड्स ही है वो डायनासोर्स जो आज तक जिंदा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टेरोडैक्टिल्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, वो इस वजह से कि टेरोडैक्टिल्स डायनासोर्स के समय में रहते थे, उड़ते भी थे, पर वो डायनासोर्स बिल्कुल भी नहीं थे। उड़ने वाले डायनासोर्स के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना सकूं। देखिए, कौन सा डायनासोर सबसे पहले इस पृथ्वी पर आया था वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उस समय के जितने सारे जानवर हैं उन सारे के फॉसिल्स तो हमको नहीं मिल सकते हैं ना, क्योंकि फॉसिल्स बहुत ही रेयर चीजें हैं। पर फिर भी आज तक जितने भी डायनासोर के प्रजाति आविष्कार हुए हैं उनमें से जो सबसे पुराना है उसका नाम है नियासासोरस। वो एक दो पैरों पर चलने वाला छोटा सा डायनासोर है जो कि करीब 243 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड में रहता था और उसका फॉसिल अफ्रीका के तंजानिया से आविष्कार हुआ था। इस सवाल का शॉर्ट आंसर है नहीं, डायनासोर्स नेचुरली वापस नहीं आ सकते, क्योंकि डायनासोर्स के समय पूरा पृथ्वी का मैप ही बिल्कुल अलग था। कॉन्टिनेंट्स उस समय अलग अलग पोजीशंस में था और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से आज अलग अलग पोजीशंस में है। जुरासिक पार्क जैसे मूवीज में डायनासोर्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वापस ले आने का स्टोरी दिखाया गया है। ये आइडिया बहुत ही शानदार लगता है, पर डायनासोर्स का डीएनए मिलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मेरी मानो तो उन्हें वापस लाने की वजह जो डायनासोर्स आज जिंदा है कि बर्ड्स, वो उनके पूर्वजों की तरह विलुप्त ना हो जाए, इसका कोशिश हमें करना चाहिए। डायनासोर्स के बारे में मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले कब और कैसे आया ये मुझे भी ठीक से याद नहीं, पर जितना मैं याद कर सकता हूं कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बचपन में इंस्पायर किया, डायनासोर्स में इंटरेस्टेड किया। वो है एक कार्टून, एक एनिमेटेड मूवी द लैंड बिफोर टाइम, और वॉकिंग विद डायनासोर्स नाम का डॉक्यूमेंटरी जो कि मैंने बचपन में देखा था, और ऑफ कोर्स जुरासिक पार्क। और यूट्यूब चैनल का इंस्पिरेशन मुझे कैसे आया इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि डायनासोर्स के बारे में पढ़ाई करते करते मैंने ये सोचा कि मुझे देखने को मिला कि हमारे देश में बहुत कम ही लोग इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स के बारे में जानते हैं और बहुत कम ही लोग इनके बारे में इंटरेस्ट दिखाते हैं। मगर इंडिया का फॉसिल हिस्ट्री, फॉसिल हेरिटेज बहुत ही रिच है, तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और एक इंडियन लैंग्वेज में, ताकि मेरे देश के लोगों को इन शानदार जानवरों के बारे में और भी पता चले। If Mosasaurus and Megalodon had a fight, who would win? हाँ ठीक है, पर आपको इन दोनों में लड़ाई क्यों चाहिए? लड़ाई कराना जरूरी है क्या? ये दोनों ही बहुत शानदार जानवर हैं, तो दोनों को एडमायर कीजिए, लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मोसासोरस जो एक एक्वाटिक रेप्टाइल है, नहीं जी ये बिल्कुल भी डायनासोर नहीं है, और मेगालोडॉन जो कि एक बड़ा सा शार्क है, दोनों बहुत ही अलग अलग समय में रहते थे। मोसासोरस मेसोजोइक एरा में रहता था जब डायनासोर्स जिंदा थे, और मेगालोडॉन डायनासोर्स के मर जाने के बहुत बाद सीनोजोइक एरा में रहता था।
तो इन दोनों का पहले तो मिलना नामुमकिन था। अगर किसी भी चमत्कार से किसी भी टाइम मशीन के हाइपोथेटिकल टाइम मशीन की मदद से इन दोनों का मुलाकात हो भी जाता तो ये एक दूसरे को अवॉइड करते, एक दूसरे को देखकर ही वो दूसरी तरफ चले जाने का कोशिश करते। ठीक है, सोच लेते हैं कि इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो एक तरफ है मोसासोरस जो कि बहुत ही एजाइल है, फास्ट है, और वो दूसरा मोसासोरस का भी शिकार करता था, और इसीलिए वो मतलब वो फाइट करना जानता है। दूसरी तरफ है मेगालोडॉन जिसका उतना ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं था उस समय, और जो बहुत ही ज्यादा बल्की था और जिसका मुंह इतना बड़ा था कि एक इंसान आसानी में उसके अंदर फिट हो सकता है, और इसीलिए वो जो शिकार है उस शिकार के बीचों बीच बहुत बड़ा पोर्शन काट सकता था। तो ये कहना मुश्किल है कि अगर दोनों का फाइट होगा तो एग्जैक्टली कौन जीतेगा। मोजासोरस अगर मतलब बहुत फास्ट स्विम करके मेगालोडॉन का एक फिन काट कर ले जाता है तो मेगालोडन थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाएगा, अगर मेगालोडन ने उसका बड़ा मुंह लेकर मोसासोरस के बीचों बीच काट कर उसका दो टुकड़े कर दिया तो मोसासोरस उसी समय मर जाएगा। तो ये कहना मुश्किल है एग्जैक्टली कि कौन जीतेगा। दोनों ही बहुत पावरफुल है, दोनों ही बहुत शानदार जानवर है, तो मेरी मानो तो दोनों का एडमायर करो, लड़ाई झगड़ा की कोई जरूरत नहीं है। We know about Triceratops. It's a very renowned dinosaur. But there is also Pentaceratops and other members of that Ceratops family. So, who is the strongest among them? Pentaceratops or Triceratops or any other member? देखिए, ऐसा कौन सा डायनासोर ज्यादा शक्तिशाली है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैलियोन्टोलॉजिस्ट को ज़्यादातर डायनासोर्स के सिर्फ हड्डियाँ ही मिलते हैं। उसके मसल्स कितने ज़्यादा थे, वो कितना जोर से कितना वजनदार था, ये बस ज़्यादातर समय ये गेसेस होते हैं, और इसीलिए पूरी तरह से कहना कि ये ज़्यादा शक्तिशाली था ये थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर ऐसा होता है, अगर हम ये मतलब एज्यूम कर ले कि जो डायनासोर ज्यादा बड़ा है साइज में, वॉल्यूम में, वो ज्यादा शक्तिशाली है, तो हम कह सकते हैं कि सेराटॉप्सियंस में से जो सबसे बड़ा है उसका नाम है इओ ट्राइसेराटॉप्स। हाँ, वो ट्राइसेराटॉप्स का करीबी रिश्तेदार है इसीलिए ऐसा नाम है। इओ ट्राइसेराटॉप्स सेराटॉप्सियंस में से सबसे बड़ा है साइज में, बॉडी साइज में। इयो ट्राइसेराटॉप्स के फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका से मिले हैं, और अगर उसका साइज की बात किया जाए तो उसका जो सर है वो सर ही सिर्फ 10 फीट लंबा था। तो शक्तिशाली तो ये जानवर बिल्कुल था। At about the same time of Tyrannosaurus Rex, there was a predator in India also, माने in the Indian region. Okay. So I don't recall the name, something Damodar Ganges or something, I don't recall the name, but it was larger than T-Rex. I heard that it was larger than T-Rex and probably stronger. I don't know, maybe it's stronger or not. So what was the name of the dinosaur and who was stronger between them, T-Rex or that? आप जिस इंडियन डायनासोर के बारे में बात कर रहे हैं उस डायनासोर का नाम है राजासोरस नर्मडेंसिस। इसके फॉसिल्स गुजरात में पाए गए हैं और नर्मदा नदी के पास पाए गए हैं, इसीलिए इसके स्पीशीज का नाम है नर्मडेंसिस। और इसके सर पर एक सींग है जो एक राजा के मुकुट की तरह लगता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है राजासोरस। और अगर आप टीरेक्स के साथ इसका कंपेयर करते हो तो मतलब कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। टीरेक्स एक शानदार जानवर है,
टीरेक्स के साथ किसी का भी कंपैरिजन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि टीरेक्स ओवररेटेड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीरेक्स के पास बाइनोकुलर विजन है, एक ऐसा बाइट फोर्स है जो मतलब लैंड एनिमल्स के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। उसका ब्रेन बाकी कई सारे थेरोपॉड डायनासोर से ज्यादा बड़ा है। मतलब वो शायद बंदरों के जितना इंटेलिजेंट था। उसके पास स्पीड और एजिलिटी है और उसका आईसाइट भी बहुत ही बढ़िया है, और उसके सेंस ऑफ स्मेल, उसके बारे में तो मतलब मुझे कहना ही नहीं है, इतना अच्छा सेंस ऑफ स्मेल है। तो टीएस के साथ राजासोरस का कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि राजासोरस के जो सामने के पैर है ना, वो टीरेक्स के सामने के पैर से भी छोटे होते थे। तो देखिए, राजासोरस अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल और एक बहुत ही शानदार डायनासोर था। तो उसे किसी के साथ मतलब कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। टीरेक्स भी शानदार है, राजासोरस भी शानदार है अपने आप में। देखिए, एक एनिमल का साइज जितना ज्यादा बढ़ता है, उसका जो बॉडी मास है वो उस साइज के 2 to the power 3 अमाउंट में बढ़ता है। इसीलिए अगर कोई एनिमल ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो खुद का बॉडी वेट ही सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसके जो हड्डियां है वो बिल्कुल मतलब क्रश हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप गॉडज़िला या किंग कॉन्ग के बारे में सोच रहे हो तो वैसा साइजेस बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। आज के जो मैमल्स है वो ज्यादा से ज्यादा कितने बड़े होते हैं? आज के सबसे बड़ा मैमल अफ्रीकन एलिफेंट, वो कितने बड़े होते हैं आप तो जानते ही हो। डायनासोर्स, स्पेशली टाइटानोसोरियन सॉरोपॉड डायनासोर्स, एलिफेंट से काफी ज्यादा बड़ा होता था। पर डायनासोर्स में कुछ स्पेशल एडाप्टेशन थे, जैसे कि उनके हड्डियां खोखले थे, इसीलिए वो उतने बड़े साइजेस पे जा सकते थे। क्या क्या एडाप्टेशन थे ये आप मेरे चैनल पे ही हाउ डिड डायनासोर्स गेट सो बिग नाम का एक वीडियो है, उस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक यहां पर आ रहा है शायद। और तो अगर आप लिमिट की बात करते हो तो लिमिट शायद टाइटानोसोरियन डायनासोर ही है, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा कोई लैंड एनिमल आज तक नहीं हुआ है। पर पानी में कहानी बिल्कुल अलग है। पानी का एक क्वालिटी है, जिसे एक प्रॉपर्टी है, इसे बोयंसी कहा जाता है। और ये बोयंसी किसी भी एनिमल के मास को सपोर्ट करता है, इसीलिए ब्लू व्हेल्स इतने विशाल होते हैं। जिनको नहीं पता, उनके सुविधा के लिए मैं बता देता हूं कि ये टुकुशी डॉल्फिन एक फ्रेश वाटर मीठे पानी में रहने वाला खास तरह का डॉल्फिन है, जो कि साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टुकुशी डॉल्फिन का EQ यानी कि एनकेफलाइजेशन कोशेंट 4.56 है, जो कि इंसानों के बहुत ही करीब है। इंसानों के EQ 7 के आसपास होता है। अगर डायनासोर्स की बात किया जाए तो डायनासोर्स का एक ग्रुप है जिन्हें ट्रोडोंटिड्स कहा जाता है, वो छोटे मांसाहारी थेरोपॉड डायनासोर्स है। उनका EQ पैलियोलॉजिस्ट का मानना है कि सबसे ज्यादा था, करीब 5 के आसपास। तो वो मतलब करीब करीब डॉल्फिन्स के जैसे ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो अगर आपको एनकेफलाइजेशन क्वेश्चन क्या है और डायनासोर्स में वो कैसे वेरी करता है इसके बारे में और भी जानना है, तो मेरे चैनल पर ही एक वीडियो है, हाउ इंटेलिजेंट वर डायनासोर्स, जिसका लिंक मैं यहां पर दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर डायनासोर रिलेटेड मूवीज की बात किया जाए तो
मतलब फेवरेट चुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। द लैंड बिफोर टाइम नाम का एक एनिमेटेड मूवी है, वो मेरा बहुत फेवरेट है। जुरैसिक पार्क तो फेवरेट के लिस्ट में है ही, और डिज्नी का जो डायनासोर मूवी है वो भी फेवरेट है। द गुड डायनासोर मूवी भी पिक्सार का, वो भी अच्छा लगता है। तो एक फेवरेट चुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस में से ना ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे कोई मांसाहारी डायनासोर बनना ही नहीं है। हाँ, घास फूस खाने से अच्छा मांस खाना है, मांस का टेस्ट ज्यादा होता है, सॉरी वीगन्स। तो पर फिर भी मांसाहारी डायनासोर्स के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आज के मांसाहारी जानवरों की तरह ही शायद उनके बच्चे को भी दूसरे शिकारी आके खा जाते थे। तो इसीलिए देखो, अगर डायनासोर बनना है ना तो एंकाइलोसॉरस बनना चाहिए। अपने पूरे शरीर को ढाल बनाकर घूमो, पत्ते वत्ते खाओ, और अगर कोई अटैक करने आए तो पूंछ के पीछे रेडीमेड गदा लगा है उससे ऐसा वार करो कि शिकारी का टांग ही टूट जाए। तो हाँ, एंकाइलोसॉरस। तो यही थे वो सारे सवाल जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे। उम्मीद है आंसर सुनकर आप सभी लोग सेटिस्फाई हो गए हैं। अगर कोई और क्वेरीज है तो आप मुझे वो कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को फिर से एक बड़ा सा थैंक यू। आप ही के वजह से आज मेरे चैनल में इतने सारे व्यूज हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं। और जो लोग सिर्फ देखकर चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो ना, कोई पैसा वैसा भी तो नहीं लगता, सिर्फ एक क्लिक करने से सब्सक्राइब हो जाता है, कर दो सब्सक्राइब। जो भी हो, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज से 6.5 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना।